दिन। जय सर। दोस्तों मैं आपका दोस्त रितेश ठाकुर। आज दोस्तों बात करेंगे ना आपके इंडियन आर्मी की मेडिकल के बारे में ना, मेडिकल के क्या क्या पॉइंट मिलता है। तो आज हम लोग मेडिकल पूरा नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे सर, प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करेंगे ना कि आपको वहाँ पे क्या क्या पॉइंट मिलता है और आपको अगर रनिंग करते हैं 1600 मीटर तो कैसे आप बचेंगे। अभी आपको टाइम रहते हुए अपने डॉक्टर से दिखा के आप कैसे बच सकते हैं ना, तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा और क्या आपको गलतियां नहीं करना है। अगर आपको इशू आ चुका है मेडिकल में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले दोस्त बताता हूँ कि इंडियन आर्मी का मेडिकल जहां पर भी होता है, इंडियन आर्मी का जहां भी मेडिकल होता है वहां पे बता देता हूँ, नंगे बदन होता है। सही बोला ना, आपको जहां मेडिकल होगा नंगे बदन होगा। तो प्राइवेट पार्ट में आपको क्या वहां पे चेक होता है आपका, दोस्तों देखो वहां पे 40 का बैच बनेगा, ऑलमोस्ट 40 का बैच बनता है। और दूसरी बात रहती है कि वहां पे आपकी सारा मेडिकल होने के बाद लास्ट में प्राइवेट पार्ट की आपको चेक होती है ना। तो दोस्तों देखो प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होता है, आपको वहां पे पैंट उतारने के लिए बोलेंगे, जो भी आप वहां पे कच्छा देंगे उतारने के लिए बोलेंगे, आपको उतारना है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको आपको सबसे पहले चेक होगा आपके हाइड्रोसेल, हाइड्रोसेल में क्या देखेंगे, पानी भरा या नहीं भरा, ठीक है। दूसरे में क्या देखेंगे, आपके बॉल, ठीक है, आपका बॉल ब्रेसन, ब्रेसन एक है या दो है, ठीक है। अगर एक है या दो है वो भी चेक होगा, ब्रेसन ऊपर या नीचे है वो भी चेक होगा। बॉल कहीं एक है तो आप वहां पे अनफिट हो, बॉल दो है फिट हो, अगर बॉल आपके तीन है तो वहां पे आप अनफिट हो, एक और तीन अनफिट है, समझ में आया। यस सर। दो है बिल्कुल फिट है, अब वहां पे देखा जाएगा बड़ा या छोटा, 19-20 है तो चलेगा, अगर थोड़ा से ऊपर नीचे ज्यादा है आप खुद देखेंगे तो बिल्कुल वहां से आप अनफिट हो, ठीक है। अगर पानी भरा हुआ है तो आपको क्या करना है, अपने किसी डॉक्टर से चेकअप कर लेवा लेना है अभी तुरंत, बिल्कुल उसका इलाज है। आप बिल्कुल अपने कोई डॉक्टर से अच्छे से दिखा लोगे बिल्कुल वहां से आप फिट हो जाओगे। अब दूसरी बात होती है सर आपके टेनिस की, टेनिस क्या होता है ना, आपको देखो टेढ़ा है या सीधा है उस पर असर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दूसरी बात होती है जो यूरिन पास करते हो, जहां से यूरिन पास करते हो जहां से, उसका मतलब छेद एक ही होना चाहिए, समझ आ रही है। यूरिन जहां से पास करते हो छेद वहां पे एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर दो है तो वहां से आप अनफिट हो, अगर वहां पे भी देखा जाता है अगर छोटा मिल रहा है तो वहां से भी आप अगर थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं चीरा लगवाने के लिए, आप लगा भी सकते हो, वहां पे भी आप फिट हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या देखा जाता है वहां पे, वेरिकोज वेंस, किसी ने आपको अभी तक बताया नहीं वो वेरिकोज वेंस क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा किसी दौड़ते समय वेंस हो जाते हैं तो वहां पे भी चेक होता है वेरिकोसील, वहां पे भी अगर नस वो मोटा हो जाता है तो वहां से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, उसका इलाज आप करवा सकते हो। अब दोस्तों ये बता दिया हमने ना कि आपका मतलब जल्दी समझाता हूँ कि अगर पानी भरा हुआ तो आप वहां से टेम्प्रोरी आपको रेफर किया जाएगा, ठीक है, अनफिट नहीं किया जाएगा, टेम्प्रोरी रेफर आप उसका इलाज करवा सकते हो 21 दिन से पहले, 21 दिन आपको टाइम मिलेगा, मे भी 21 से 42 दिन। अब दोस्तों देखो वहां पे क्या होता है ना, साइज बता दिया आपको, डबल दो आपका बॉल है तो आप बिल्कुल फिट हो, एक है तो आप बिल्कुल वहां से अनफिट हो, इंडियन आर्मी की आप तैयारी ना करें आपको कोई फिट नहीं करेगा। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है वहां पे, अब उसके बाद बैक का बता देता हूँ, बैक का क्या करते हैं ना, टाइल्स का कैसे चौक करता है, टाइल्स का कुछ नहीं, वहां पे पैंट खोल के आपको नीचे झुक के बोलेंगे खांसने के लिए, अगर आपके पाइल्स होगा तो बिल्कुल आपका दिक्कत आएगी वहां पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसका भी आप इलाज करवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्राइवेट पार्ट चेक होता है, आपने किसी का वीडियो दिख लिया मतलब ऐसे हमारा काम मोटो है, मैंने आपको सही डायरेक्शन में बताया है। अगर आपको ये सब इशू है तो आप बिल्कुल इंडियन आर्मी का मेडिकल, इंडियन आर्मी की तैयारी ना करें। अगर आपको पाइल्स है तो अगर आप उसका तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल वहां पे फिट हो सकते हो, उसका जो भी इलाज है, ठीक है। अगर एक और तीन है तो बिल्कुल वहां से अनफिट हो, इंडियन आर्मी का बिल्कुल तैयारी ना करें। तो पाइल्स वाला बताया मैंने, बस आपको नीचे लेटा के खसवाएंगे, बिल्कुल आपका होगा तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ना। अब बात करता हूँ दोस्तों, देखो बिना सपोर्टर का रनिंग कोई नहीं करेगा, इसे बचने का इलाज बता रहा हूँ क्या करेंगे। सपोर्टर आती है 150 में आती है, लोकल लेंगे 70 रुपये में आ जाती है, क्या भी नेक का जो भी वाली आती है नेक वाली वो आप कच्छा यूज कर सकते हैं। क्या होते हैं ना, बिना कच्छे सपोर्टर का रनिंग आप नहीं करो, क्योंकि वहां पे करोगे रनिंग तो बिल्कुल आपका हाइड्रोसेल में दिक्कत आने वाला है, वहां पे चोट लग लग के वो बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप यार कोशिश पानी भर जाएगा, ठीक है, तो आप 150 रुपये का सिर्फ सपोर्टर आता है वो आप ले लो, है ना, बिल्कुल आप वहां से आप कंफर्टेबली रनिंग करोगे, ठीक है, बचने का यही एक तरीका है, ठीक है।
अगर जब भी आप रनिंग करते हो तो पूरा सपोर्टर या वो लंगोट बांध लो, ठीक है, सबसे बेस्ट लंगोट। अगर लंगोट आप बांधने में दिक्कत आ रहा है तो आप सपोर्टर बांधो। नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको लंगोट कैसे बांधता हूँ, सपोर्टर क्या होता है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो भी भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है कहीं तो आप बिल्कुल लाइक करें, है ना। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद।